नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जन सेवा केंद्र वाराणसी में। दोस्तों, ईपीएफओ वाले में कई लोग कमेंट किए हैं कि लॉगिन करने के बाद फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, फॉर्म दिख नहीं रहा है, शो नहीं कर रहा है, कहाँ से करना है, क्या कई सारे प्रॉब्लम आ रही हैं। तो उन लोग को मैं फिर से दिखाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आप लॉगिन कर लीजिए। देखिए, मैं यहाँ पर सब लॉगिन कर दिया हूँ, क्लिक करता हूँ लॉगिन। जब आप दोस्तों लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करते ही यहाँ ऊपर आपका वेलकम टू आपका नाम दिख जाएगा, लॉगिन 5/3/2023 ये दिख जाएगा आपको। दिखने के बाद आप ऊपर देखिए, ग्रीन कलर में डैशबोर्ड आगे लिखा हुआ है, फिर इसके बाद विथड्रॉल लिखा हुआ है, और उसके बाद लेटेस्ट नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। तो हमको कुछ नहीं करना है, फॉर्म फिलअप करने के लिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है, जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ। लेटेस्ट नोटिफिकेशन इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही देखिए, मैंने फॉर्म को फिलअप पहले से ही अपना किया हुआ हूँ, तो आपका देखिए यहाँ से दिख जाएगा फॉर्म असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंटेंट ईपीएफओ का आपका फॉर्म यहाँ दिख जा रहा है साफ साफ। उसके बाद यहाँ से देखिए व्यू पार्ट वन पे क्लिक कर देना है आपको। इसको पूरा सबमिट करने के बाद फिर आप ये बगल में देखिए पार्ट सेकेंड पंजीकरण दिया हुआ है, व्यू अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर फोटो आईडी अपलोड, इस पर क्लिक करके फ़ोटो एंड सिग्नेचर करने के बाद कंटिन्यू कर दीजिए। आपका फ़ोटो सिग्नेचर जब कंटिन्यू हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, तो व्यू सेंटर सिलेक्शन एंड एग्रीइंग टू डिक्लेरेशन पे जाके इस पर भी अपना सेंटर चूज़ कर लीजिए और क्लिक कर दीजिए। आपका फॉर्म पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। इस पर फुल वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसी पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि लॉगिन के बाद फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, वो नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसमें देखिए साफ साफ दिखा दिया हूँ कैसे क्या करना है लॉगिन के बाद। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।